लॉकडाउन 5.0 पर नई गाइडलाइन के बाद राजधानी जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में दो महीने के बाद बाजार एक बार फिर से गुलजार हुए। पहले ही दिन चारदीवारी के बफर जोन के प्रमुख बाजारों में रौनक दिखाई दी। पहले दिन दुकानदार साफ सफाई करते हुए नजर आए तो वहीं कई दुकानदार पहले दिन ग्राहक भी इनसे सामान खरीदने पहुंचे। दुकानदारों ने सरकार की तमाम गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का तमाम इंतजाम रखा। दुकानदारों का कहना है कि पहला दिन है तो साफ सफाई कर सामान व्यवस्थित किया जा रहा है। उम्मीद है कि धीरे धीरे परकोटा बाजारों में रौनक लौटेगी। हालांकि कई दुकानदारों पर ग्राहकों की संख्या अधिक नजर आने के कारण सोशल डिस्टेंस में कमी यहाँ पर नजर आई। इसके बाद पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की। कोरोना संक्रमण के चलते जयपुर के संपूर्ण चारदीवारी क्षेत्र में लगाया गया कर्फ्यू हटाकर अब सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक दो जोन में बांट दिया गया है, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। कुल 23 कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू हैं, तो वहीं परकोटा के बफर जोन में बाजार और दुकानें खोल दी गई है। राजधानी जयपुर में पूरे 71 दिन के बाद में परकोटे में यहां पर बाजार खुले। लॉकडाउन की शुरुआती अवधि से लेकर के जब शुरुआती दिनों में परकोटे क्षेत्र से यहां पर कोरोना का एक विस्फोट हुआ था, उसी के बाद से तमाम दुकानों को यहां पर बंद किया गया था, पूरा मार्केट यहां बंद था। फिलहाल यहां पर पूरे कंटेनमेंट जोन को अलग कर दिया गया है चारदीवारी से और जोन्स में डिवाइड करके दो जोन्स में निबाट दिया गया है। पहला है कंटेनमेंट जोन और दूसरा है बफर जोन। फिलहाल 23 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं कंटेनमेंट के। जारी है तो लॉकडाउन में 5.0 शुरू हो गया है, अनलॉक 0.1 यानी परकोटे को खोल दिया गया है। पिछले 68 दिन से बंद था ये परकोटा, तो दुकानें खुल गई है। साथ ही ज्वेलर्स एक बहुत बड़ा कारोबार है राजधानी जयपुर का जौहरी बाजार, जहां पर कह सकते हैं कि एक करोड़ों का व्यापार होता है, वो पिछले लंबे समय से बंद था तो अब खुल चुका है। हमारे साथ जो है सरापा एसोसिएशन के अध्यक्ष है, बताएं सर किस तरीके से कितना नुकसान हुआ और अब कैसे भरपाई होगी, कैसे? देखिए, आज 70 दिन बाद परकोटा का बाजार खुल चुका है। परकोटे में हमारे ऑफिसेज वगैरह ऊपर नीचे शोरूम वगैरह मिला के लगभग 5000 व्यापारियों का शोरूम यहाँ दुकानें हैं। आउटर में अलग है तो 5000 व्यापारी हो रहे हैं, तो आउटर पहले खुल चुका था लेकिन अब ये परकोटे का बाजार आज से खुला है। अब आज तो सब व्यापारी अपने साफ सफाई में, व्यवस्था में, सैनिटाइज में, मास्क में, इस तरह के इंतजाम में लग रहे हैं। और छोटा मोटा व्यापार होने की उम्मीद जरूर रखते हैं, आज फर्स्ट डे है, लेकिन आने वाले टाइम पर शादियों का जून का सीजन, जुलाई का सीजन है। 70 दिन से जिन लोगों ने परचेजिंग की, जो इंतजार कर रहे थे अपने अपने व्यापारी जहाँ जाना था, जिनकी उनकी चॉइस थी वहाँ से लेना था, तो उस तरह के ग्राहक आज बाजार में आजकल में निकलेंगे, ग्राहक ही आएगी बाजार में। हम व्यापारी हर उम्मीद करके बैठे हुए हैं, इससे व्यापार के अंदर में 70 दिन का जो नुकसान है वो भरपाई तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ करीबन पर डे का 15 से 20 करोड़ का व्यापार पूरे जयपुर शहर में ज्वेलरी ट्रेड का होता था, जिसमें एक्सपोर्ट वालों का भी है, बुलियन का भी है और लोकल मार्केट भी है। उसकी भरपाई करने में अभी काफ़ी समय लग जाएगा। सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ज्वेलरी ट्रेड के ऊपर में कुछ न कुछ ऐसा लाएं जिससे व्यापारी इस नुकसान की भरपाई कर पाए और व्यापार को भी प्रोत्साहन मिले और बढ़ावा मिले। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इंतजाम करने होंगे, सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार भी ज्वेलर्स को जो है एक दोबारा खड़ा करने के लिए कुछ ऐसी योजना लाए, ताकि ये जो 70 दिन का जो टाइम पीरियड है लॉकडाउन का, उसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। इसके अलावा राजधानी जयपुर के अलग अलग बाजार हैं, वहाँ भी हम आपको लिए चलते हैं। अब देखिए, उम्मीद तो है, दो महीने तो एकदम काम बंद था, उसमें काफ़ी फर्क तो पड़ा है धंधे से। अब हम उम्मीद मान के चल रहे हैं, अभी दो दिन लगेगा, धीरे धीरे थोड़ा चलने की उम्मीद है। यहाँ पर करोड़ों का व्यवसाय होता है, व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो बंद पड़ी थी, वो अब दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद जता रहे हैं। परकोटे के अंदर कई दुकानों में आज लोग साफ सफाई करते नजर आए, चूंकि पहला दिन है तो दुकान को सैनिटाइज करना, साफ सफाई करना वगैरह नजर आए। तो वहीं बैंक है, आप देख सकते हैं कि परकोटे के यहाँ बैंक है, हालांकि बैंक पहले से खुली है लेकिन बैंकों के बाहर भी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग अब निकलने लगे हैं। सरकार भी छूट दे रही है, लॉकडाउन की नई गाइडलाइन है उसमें लगातार छूट दी जा रही है। त्रिपोलिया बाजार हो या और भी परकोटे के अंदर आने वाले अधिकतर बाजार खोल दिए गए, हालांकि कुछ बाजार जो संकरी गलियों में हैं, चाहे घी वालों का रास्ता हो, ऐसे 5 बाजार निर्धारित किए गए हैं, उनको अभी भी खोलने की अनुमति नहीं गई है, क्योंकि पुलिस को डर है, सरकार को डर है कि उन इलाकों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे जो 5 बाजार गलियाँ जो संकरी है वहाँ पर अभी भी जो है छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर ऑटो रिक्शा, कैब वगैरह है, उनको भी
ई रिक्शा है उनको यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है। इसके अलावा सैलून की दुकानें हो या मॉल हो उनको भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही जूस या और भी कई दुकानें हैं उनको यहाँ पर खोलने की अनुमति नहीं परकोटे के अंदर नहीं दी गई है। उसका कारण है कि कहीं न कहीं संक्रमण जो है किसी प्रकार का खतरा न रहे। परकोटा खुला है लेकिन पूरा नहीं खुला है, धीरे धीरे खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि ये संक्रमण की जो जड़ है वो दोबारा कहीं न कहीं वापस न निकलें। उसको ध्यान में रखते हुए परकोटे के बाज़ार जरूर खुले हैं लेकिन परकोटे में अभी भी लोगों को जो है व्यापारियों को भी डर है, लोगों को भी जो है कहीं न कहीं डर है। हालांकि लोग निकल भी रहे हैं, वाहनों की आवाजाही भी सड़क पर ज़्यादा है लेकिन सरकार ने जो छूट दी है इसके बाद कोरोना संक्रमण के लिए सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सावधानी से ही इस कोरोना संक्रमण को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे में ये अपनी खुद की जिम्मेदारी भी अब बढ़ गई है क्योंकि अधिकतर गतिविधियां खोल दी गई है तो अब लोगों को खुद समझदारी दिखानी होगी, लोगों को खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, जरूरत के मुताबिक ही बाहर निकलना होगा, अनावश्यक रूप से किसी प्रकार से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। इसके अलावा बात की जाए तो रात को अभी भी कर्फ्यू जारी रहेगा, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी प्रकार की आवाजाही नहीं रहेगी, केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हीं को आने दिया जाएगा, बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ पर 9 बजे से पहले पहले दुकान बंद करके घर जाना होगा क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रात्रिकालीन कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण A1 TV जयपुर।